अभिषेक मल्हान ने बताया कि अभिषा और अभिया में कौन है उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभिषेक मल्हान का जियो सिनेमा पे कल इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे खुलासे किए हैं और अपने बॉन्डिंग पे भी काफ़ी कुछ बताया है। तो क्या कहा है अभिषेक ने, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिग बॉस OTT सीज़न 2 के अभिषेक मल्हान, जिन्होंने काफ़ी दिल जीते हैं, उनके दो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। चाहे हम बात करें उनका मनीषा रानी के बॉन्ड अभिषा की, या फिर हम बात करें जिया शंकर के साथ बॉन्ड यानी कि अभिया की। जब सिद्धार्थ कनन ने उनसे पूछा कि अभिषा और अभिया में आप कौन सा चुनेंगे, तो उन्होंने तुरंत अभिषा का नाम लिया और बोला कि अभिषा मेरे दिल के करीब है। जी हाँ, वहीं पर उनसे एक और सवाल पूछा गया था कि आपको नहीं लगता कि अभिया सबसे ज़्यादा हिट जोड़ी है बिग बॉस की, जिस पे उन्होंने तुरंत मना कर दिया और कहा कि जैसा मैंने देखा है, से ये बात तो साफ पता चलती है कि अभिया नहीं बल्कि अभिषा काफ़ी ज़्यादा हिट जोड़ी है और वो हमेशा ट्विटर पे ट्रेंड भी करती रहती है। अभिषेक मल्हान ने ये भी खुलासा किया कि मेकर्स ने किस तरीके से शुरुआती हफ्तों में अभिषेक और जिया का लव एंगल दिखाने की कोशिश की। मेकर्स ने काफ़ी सारे ऐसे भी टास्क डिज़ाइन किए जिसमें अभिषेक और जिया का लव एंगल दिखे। वहीं जब अभिषेक मल्हान से मनीषा रानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी रोज़ बात होती है, अब हम बिग बॉस की बात करना बंद कर चुके हैं, हम लाइफ की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, मैं उसे गाइड करता हूँ। वो अभी अभी यूट्यूब पर वापस आई है, उसे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ब्रांडिंग कैसे होती है ये सब मैं उसे सिखाता हूँ। जी हाँ, तो आपको कितना पसंद है अभिषा या फिर अभिया, कमेंट्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।